बस्ती जिले के राम जानकी मार्ग पर मनवर और सरयू नदी के बीच में पाइकपुर में खड़े हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी मधुर जी हैं। ये हाफ बैंक के रचनाकार हैं और कवि भी हैं। तमाम जगह पर कविताएं इनकी हो चुकी हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक कविता आप सुनाइए। हे प्रभो, एक हाथ में रचना है, प्रधान जी हैं, हाथ में है। हे प्रभो जीवनदाता, प्रार्थना मेरी सुन लीजिए, दे दीजिए प्रधानी मुझे, फिर गांव में दे दीजिए, फिर गांव में दे दीजिए। गांव की चिंता नहीं, विकास को अधिकार है, अब रक्त जम का चूस लूँ मिर्गा अधिकार है। यह गांव जाए भाड़ में, वेतन व्यवस्था कीजिए, हे प्रभो जीवनदाता, प्रार्थना मेरी सुन लीजिए। मधुर कहते हैं कि नाली सड़क टूटने दीजिए, बन जाए मालामाल, बस प्रधानी सार्थक होने दीजिए। हे प्रभु जीवनदाता, प्रार्थना मेरी सुन लीजिए। आगे एक मैं सिंगार सुनी करता सुना हूँ। अच्छा ठीक है, सिंगार ठीक है, एक सिंगार नहीं हरवा की खातिर मन बोराए, नहीं हरवा अरे तोहरा कि देखी देखी जिया जरी जाए, नहीं हरवा की खातिर मन बौराइल, गर जैला मेघ अर बह पुरवाई, गर जैला मेघ अर बह पुरवाई, रिमझिम फुहार पड़े सावन आइल, नहीं हरवा की खातिर मन बौराइल, बनवा में मोड़वा अरे बोले रे कोयलिया, पपीहा की बोलिया जहर हो जाए, अरे तोहरा के देख देख जिया जरी जाए, निहरवा सासू की बोली अरे सहाना जाए, ननद की बोली कहर हो जाए, अरे तोहरा के देख देख जिया जरी जाए, निहरवा खातिर मन बोराइल। देखिए अभी आप सुन रहे थे, हमारे पास एक कवि जी मौजूद हैं। देखिए ऐसे कवि गांव में बहुत हैं, इनको मंच मिलने की ज़रूरत है। अगर इनको बेहतर मंच मिल जाता है तो अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इन्हें बेहतर मंच मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा।